नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ किशन सिंह। आज मैं फिर लेकर आया हूं आपके लिए एक बाहुबली की कहानी। कई ऐसे नेता हैं जो राजनीति में आकर भी माफिया वाली छवि से बाहर नहीं निकल पाते। उनके कारनामे उन्हें हमेशा सुर्खियों में बनाए रखते हैं। अतीक अहमद यूपी की सियासत का एक ऐसा ही नाम है। अतीक अहमद का जन्म 10 अगस्त 1962 को हुआ था। वह उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के रहने वाले हैं। पढ़ाई लिखाई में उनकी कोई खास रुचि नहीं थी, इसलिए उन्होंने हाई स्कूल में फेल हो जाने के बाद पढ़ाई ही छोड़ दी थी। कई माफियाओं की तरह ही अतीक अहमद ने भी जुर्म की दुनिया से सियासत की दुनिया का रुख किया था। पूर्वांचल और इलाहाबाद में सरकारी ठेकेदारी, खनन और उगाही के कई मामलों में उनका नाम आया था। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही अतीक अहमद के खिलाफ पहला मामला दर्ज हुआ था और वो पहला मुकदमा हत्या का था। बात 1979 की है, जब 17 साल की उम्र में अतीक अहमद पर कत्ल का इल्जाम लगा था। उसके बाद अतीक ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल दर साल उनके जुर्म की किताब के पन्ने भरते जा रहे थे। 1992 में इलाहाबाद पुलिस ने अतीक अहमद का कच्चा चिट्ठा जारी किया था, जिसमें बताया गया था कि अतीक अहमद के खिलाफ उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कौशाम्बी, चित्रकूट, इलाहाबाद ही नहीं बल्कि बिहार राज्य में भी हत्या, अपहरण, जबरन वसूली आदि के मामले दर्ज हैं। अतीक के खिलाफ सबसे ज्यादा मामले इलाहाबाद जिले में ही दर्ज हुए। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1986 से 2007 तक ही उनके खिलाफ एक दर्जन से ज्यादा मामले केवल गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज किए गए थे। 2004 के आम चुनावों में फूलपुर से सपा के टिकट पर अतीक अहमद सांसद बन गए थे। इसके बाद इलाहाबाद पश्चिमी विधानसभा सीट खाली हो गई थी। इस सीट पर उपचुनाव हुआ। सपा ने अतीक के छोटे भाई अशरफ को टिकट दिया था, मगर बसपा ने उनके सामने राजू पाल को खड़ा किया और उनकी जीत हो गई। पहली बार विधायक बने राजू पाल की कुछ महीने बाद 25 जनवरी 2005 को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में सीधे तौर पर सांसद अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ को आरोपी बनाया गया था। गिरफ्तारी के डर से बाहुबली सांसद अतीक अहमद फरार थे। उनके घर, कार्यालय सहित 5 मामलों में उनकी संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिए गए थे। अतीक अहमद की गिरफ्तारी पर पुलिस ने 20,000 रुपए का इनाम भी रखा था। इसी दौरान अतीक ने खुद को दिल्ली में पुलिस के हवाले करने की योजना बनाई। वारंट और इनाम जारी होने के 6 महीने बाद दिल्ली पुलिस ने पीतमपुरा के अपार्टमेंट से उनकी गिरफ्तारी दिखाई थी। उस वक्त अतीक ने कहा था कि उन्हें यूपी की मुख्यमंत्री मायावती से जान का खतरा है। साल 2013 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो एक बार फिर अतीक साइकिल पर सवार हो गए। फिलहाल वह जमानत पर बाहर है और क्षेत्र में पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। फिलहाल उनके पास पार्टी में कोई पद नहीं है। उनके छोटे भाई अशरफ भी जमानत पर बाहर हैं और अपना कारोबार कर रहे हैं। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए बाहुबली की कहानी के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अलाइव 24 न्यूज। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे अलाइव 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।